अब 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन। इंग्लिश 73, उर्दू 82, मैथमेटिक्स 80, हिस्ट्री 67 एंड साइंस 62। फर्स्ट पार्ट है, इफ द वेट्स अकॉर्डेड दीज मार्क्स आर 4, 3, 3, 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, वट इज इन अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क। सेकेंड पार्ट क्या है, वट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। पहले वाले में वेट्स गिवन है फर्स्ट पार्ट में कि इसके मुताबिक उसका एवरेज फाइंड करें, यानी वेटेड मीन फाइंड करें, और सेकेंड पार्ट में वेटेड मीन फाइंड करना है लेकिन इक्वल वेट्स के साथ, कि वेट्स क्या हो, इक्वल हो। तो अब फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो मार्क्स गिवन है, जिस तरह इंग्लिश में ऊपर स्टेटमेंट में गिवन है कि इंग्लिश के 73 मार्क्स है, उर्दू में 82 है, तो इस तरह इनके वेट्स भी गिवन है। तो वेट्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 4, 3, 3, 2 और 2, ये वेट्स हमें गिवन है। उस तरह से मैंने ये फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, सेकेंड कॉलम में मार्क्स लिखे हैं, और इस मार्क्स को मैंने एक्स से डिनोट किया है और वेट्स को डब्ल्यू से डिनोट किया है। अब हमने वेटेड मीन फाइंड करना है, तो वेटेड मीन, तो वेटेड मीन डब्ल्यू मीन इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। तो वेटेड मीन जब हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डब्ल्यू एक्स जो है ये वाला कॉलम हमने पॉपुलेट करना है। तो डब्ल्यू एक्स कैसे आएगा, इन दोनों कॉलम्स के वैल्यूज को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 73। 4 3 12, 1 आ जाता है, 4 7 28 28 plus 1 29 2 9 2, और इस तरह से 82 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 246, और 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 0 0 3 8 24, तो 240 आता है। और इस तरह 2 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 134। इस तरह 2 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 0 4 2 6 0 12, तो ये हमारे पास डब्ल्यू एक्स, यानी इन दोनों वेट्स को और मार्क्स को हमने मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम इन वेट्स को सम करेंगे तो ये आ जाता है समेशन डब्ल्यू। तो समेशन डब्ल्यू जो है, इनको जब हम सम करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 14। तो और जब इस कॉलम के वैल्यूज़ को सम करेंगे, जो डब्ल्यू एक्स वाला कॉलम है, तो समेशन डब्ल्यू एक्स इनका सम आ जाएगा, तो इनका सम आ जाता है 1036। तो अब वेटेड मीन विल बी इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स के वैल्यू, क्या वैल्यू आई हुई है, 1036 डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू की वैल्यू आ चुकी है 14। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1036 को 14 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 74। तो एवरेज मार्क्स क्या है, 74। तो ये है जब जो गिवन वेट्स है, जो कि अनइक्वल वेट्स है, कहीं पे 4 है, 3 है, 3 है, 2 और 2 है, अनइक्वल वेट्स है। अब हमने सेकेंड पार्ट की तरफ जाना है, इसी तरह हमने सॉल्व करना है, लेकिन अब इन वेट्स को हमने इक्वल रखना है। यहाँ पर वेट्स जो है ना, वो डिफरेंट है, गिवन है पार्ट फर्स्ट में, लेकिन पार्ट सेकंड में इक्वल वेट्स के साथ हमने मीन फाइंड करना है। तो इक्वल वेट हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, मर्जी है, जो भी आप रखना चाहें आपका आंसर आ सकता है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट, हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ पर इक्वल वेट्स लिए हैं 2, तो यहाँ पर वेट 2 है, हर एक यानी इंग्लिश का के सामने भी वेट मैंने 2 रखा है, उर्दू के सामने भी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और साइंस, हर एक सब्जेक्ट के सामने वेट 2 रखा है, मार्क्स वही है जो पहले के गिवन है। अब हम इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2 को 73 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 146, और इस तरह 2 को 82 से मल्टीप्लाई करेंगे 164, और इस तरह से 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाता है 160, और 67 मल्टीप्लाइड बाय 2 134, और 62 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 124। इस तरह समेशन W हमारे पास आ जाता है, इन वेट्स को सम करेंगे तो यह आ जाता है 10, और इन वैल्यूज़ को हम सम करेंगे समेशन WX आ जाता है, दिस समेशन WX इज इक्वल टू 728। तो ये जो इक्वल वेटेड मीन, इक्वल वेटेड मीन, तो ये मीन आ जाता है हमारे पास समेशन WX डिवाइडेड बाय समेशन W, तो समेशन WX आ जाता है 728 डिवाइडेड बाय समेशन W, जो कि 10 है, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 72.8 मार्क्स। तो ये एवरेज आ जाता है 72.8, जो कि इक्वल वेट्स के साथ है, और पार्ट फर्स्ट में डिफरेंट वेट्स के साथ हमने मीन फाइंड किया। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी तरह है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व किया, वेटेड मीन की तरह ही है। तो इसमें हमें लीटर्स गिवन है, जिनको मैंने वेट का नाम दिया, तो वेट गिवन है 21.3 लीटर्स अगर हो तो उस वक्त प्राइस पर लीटर जो है वो 39.90 है, अगर वेट्स यानी अगर इतने लीटर्स हो 18.7 लीटर्स अगर हो तो प्राइस पर लीटर जो है 42.90 है, और इसी तरह अगर 23.5 लीटर्स हो तो प्राइस जो है पर लीटर वो है 40.90। तो अब हमने वेटेड मीन फाइंड करना है, यानी मीन हमने फाइंड करना है, तो मीन इसको हम वेटेड मीन कह सकते हैं क्योंकि हमें वेट्स गिवन है और प्राइस गिवन है। और इस तरह से 21.3 को 39.90 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी W को हम X से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 849.87, और इस तरह से 18.7 को मल्टीप्लाई करें 42.90 से तो हमारे पास ये आ जाता है 802.23, और इस तरह से 23.5 को 40.90 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 961.15। तो इस तरह से इन लीटर्स को सम करेंगे तो ये समेशन W आ जाता है, और समेशन W हमारे पास आ जाता है 63.5, और इस तरह इन WX के वैल्यूज़ को सम करेंगे तो सम समेशन WX इज इक्वल टू, इन सब वैल्यूज़ को जब हम सम करेंगे तो ये आ जाता है 2613.25, ये वैल्यू आ गई है। तो अब हम मीन फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम वेटेड मीन भी कह सकते हैं या जस्ट मीन भी हम कह सकते हैं। तो मीन इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन W, तो समेशन WX है 2613.25 डिवाइडेड बाय समेशन W है 63.5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाता है 41.15 रुपीस पर लीटर। तो ये हमारा आंसर है जिसको हम वेटेड मीन कहते हैं या मीन कहते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट सैंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा हमें गिवन है, इयर्स है 2001 से लेके 2010 तक, और उसके बाद इन इयर्स के करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन है, जो कि इस रो में है, 2001 में जो वैल्यूज है 102 है, 2002 में वैल्यूज 108 है, और इस तरह से चलते जाए आखिर में 2010, और 2010 में जो वैल्यूज है वो है 230। अब हमने मूविंग एवरेज फाइंड करना है, इसका तरीक़ेकार क्या है, हम एक टेबल बनाएंगे इन ईयर्स और वैल्यूज को
दो कॉलम्स में हमने लिखा। उसके बाद हमने दो कॉलम्स और बना लिए टोटल और एवरेज के नाम से। तो इनके ऊपर वाले जो सेल है उनको खाली रखा, इनमें कुछ भी नहीं लिखा। अब क्या तरीक़ेकार है कि तीन वैल्यूज़ को सम करें, 102, 108 और 130। इन तीन वैल्यूज़ को सम करें, इन तीनों का सेंटर वाला नंबर 108 है। तो तीनों को सम करेंगे, इनके सेंटर वैल्यू को सामने रखेंगे, तो 102 + 108 + 130 इनको सम किया और इनका सम आता है 340। क्योंकि हम मूविंग एवरेज 3 इयर्स का लेते हैं, तो इस सम को यानी 340 को डिवाइड किया 3 से, हमारे पास आंसर आ जाता है 113.33। उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर से एक वैल्यू छोड़ के अब हम 108 से स्टार्ट लेते हैं। 108, 130 और 140, तीन वैल्यूज़ को दोबारा से ले लें और इन तीन वैल्यूज़ का जो सेंट्रल वैल्यू है वो 130 है, इसके सामने इन तीनों का सम ले लें, लिखें 108 + 130 + 140, इनका सम आता है 378। और इस 378 को नेक्स्ट एवरेज वाले कॉलम में 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 126। इस तरह से अब हमने एक नेक्स्ट वैल्यू एक और छोड़नी है, और अब हमने क्या करना है, जहां हमारा आंसर आ चुका है इससे एक वैल्यू और ऊपर ले लें, नीचे ले लें, 130, 140 और 158। अब इनको मैंने सम किया, इनकी सेंट्रल वैल्यू 140 है, इनके सामने इन तीनों को सम कर दें। इन तीनों को सम किया तो 428 सम आया, इस सम को 3 से डिवाइड किया और 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 142.67। और इसके बाद इन तीन वैल्यूज़ को लेंगे, नेक्स्ट तीन वैल्यूज़ को, तो नेक्स्ट तीन वैल्यूज़ क्या है, 140, 158, 180। इन तीनों को सम किया, इनकी सेंट्रल वैल्यू 158 है, इसके सामने इन तीनों को सम करके सम यहाँ पर लिखा 478 और उसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 159.33। उसके बाद नेक्स्ट तीन वैल्यूज़ को सम किया, यानी ऊपर से एक एक वैल्यू छोड़ते जाएं और नीचे एक एक वैल्यू मिलाते जाएं, तो आप तीन तीन नंबर्स को साथ साथ लेते जाएं। तो 158 से अब मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, तो 158, 180, 196, अब ये तीन नंबर आ गए हैं, इन तीनों को सम करना है, इन तीनों को सम यानी इसकी सेंट्रल वैल्यू को सामने लिखें, तो इन तीनों का सम 534 आ रहा है, 534 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 178। इस तरह से एक और नंबर ऊपर से छोड़ के नीचे एक और वैल्यू मिलाएं, अब 180, 196 और 210, अब ये तीन नंबर ले लें, अब इन तीनों का सेंट्रल वैल्यू 196 है, इसके सामने इन तीनों का सम लिखा वो है 586 और इस 586 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 195.33। नेक्स्ट हमने ये वाला नंबर अब मिलाना है और अब 210 और एक नंबर और साथ मिला लें। इस तरह से इनकी सेंट्रल वैल्यू है 210, इसके सामने इन तीनों का सम लिखा 626 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 208.67। उसके बाद एक और वैल्यू साथ मिला लें जो कि 210, 220, 230 इन तीनों को, और इनके सेंट्रल वैल्यू 220 है, इसके सामने इन तीनों का सम लिखा और ये सम आ रहा है 660, इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 220। तो ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज इस तरह से कि एक एवरेज लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक प्रीवियस एक वैल्यू साथ मिलाते हैं और फिर एक एवरेज लेते हैं, इस तरह से ये मूविंग एवरेजेस हम फाइंड करते जा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।